आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चटपटा किचन में। चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हम बेबी कॉर्न डाल देते हैं इसमें उबलने के लिए। इनको हम ढक करके 5 मिनट उबालेंगे। तो ये हमारे उबल गए हैं, इनको हम बाहर पानी से कर लेते हैं। ये हमने पानी से बाहर निकाल लिया, इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर हम चावल के आटे और बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी चावल का आटा है। 2 से 3 कलियां लहसुन की कूट लेते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिए। अब हम काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। कुटा हुआ जो लहसुन है इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम घोल तैयार करते हैं। घोल ज़्यादा पतला नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे पानी डाल के घोल तैयार करेंगे। घोल ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो। तो हमारा घोल तैयार हो गया। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। पहले से हमने रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। इनको हम धीमी आंच पर फ्राई कर लेते हैं। इनको हम ऐसे ही पकने देते हैं थोड़ी देर, फिर इसके बाद पलट लेते हैं। अभी ये कड़छी लगाने लायक नहीं है, इनको हल्का सा हिला हिला के ताकि ये पेंदी में चिपक ना जाए, इसलिए हिला के इनको पका रहे। अब ये पलटने लायक हो गए हैं तो अब इनको हम पलट देते हैं। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन पक गए हैं हमारे क्रिस्पी से फिंगर, तो तैयार हो गए। हम इनको मेयोनीज से गार्निश कर देते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी बेबी कॉर्न फिंगर्स कैसे लगे, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।